रेजिस्टेंस में हमने क्या देखा था, करंट और वोल्टेज साथ चलते हैं, यस सर, दे आर इन फेज, तो फेजर डायग्राम फॉर आर, ये कैसे बनेगा, फिर कैसे बनेगा, दिस इज Vm, दिस इज Im और इनका ये प्रोजेक्शन, दिस इज V, दिस इज I और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ओमेगा टू। तो हमने क्या देखा है, यहाँ पे करंट और वोल्टेज साथ साथ चल रहे हैं, दोनों का एंगल सेम है ओमेगा टू, और इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे I, ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे V, तो ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, एंगल पोजीशन, हमने सारी चीज एक ही डायग्राम के अंदर एक साथ पेश कर दी है, ठीक है। तो सच ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज, करंट एंड एंगल, ठीक है, इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। हम जितने भी आगे सर्किट्स की डिस्कशन करेंगे उन सबके लिए हम ये फेजर डायग्राम्स बनाएंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, सर्किट में क्या चल रहा है।